हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो जैसा कि आपको पता है, आज आप लोगों का क्या है, टेस्ट है। तो सभी तैयारी करके आए होंगे। कोर्स में सूचना पहले ही दे दी गई थी कि आज आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, तो सभी जो है एक दूसरे को शेयर करें ताकि उनको पता लगे कि टेस्ट जो है स्टार्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए दो बार पढ़ूंगी। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है और फिर सही आंसर लगाना है। तो सभी बच्चों से यही उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन के सही आंसर आप लोग देंगे, ठीक है? तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी जो है कितनी अच्छी चल रही है। और धीरे धीरे हम ऐसे ही करके सारा सिलेबस कवर करेंगे। हमने थोड़े टॉपिक जो है जैसे पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम टेस्ट लेते हैं। मैंने आप लोगों का ये तीसरा टेस्ट है, दो टेस्ट मैंने आपके ले लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और YouTube के जो भी बच्चे हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, तो इस टेस्ट को जरूर दें, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं। क्योंकि जो टॉपिक यहाँ पर लिया गया है वो सभी में काम आता है। राजस्थान के जीके का जो पार्ट है, तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के काम आएंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है आ सकता है, ठीक है? तो चलिए सभी जुड़ जाएं और क्वेश्चन का सही आंसर अपने पेन और कॉपी लेकर बैठे वहां लिखते हुए जाएं। और लास्ट में बताना है कि आपने कितने आंसर सही दिए हैं। बिल्कुल ईमानदारी के साथ यहाँ काम करना है। तो जो बच्चे साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और ऐसे ही धीरे धीरे सारा सिलेबस जो है वो कवर होता जाएगा। और जो बच्चे केवल यही देख रहे हैं कि हम कल से तैयारी शुरू करें या परसों से तैयारी शुरू करें, तो उनका कल जो है वो कभी नहीं आएगा। तो ये चीज जो है वो मैं आपको पहले से ही बोलती आ रही हूँ कि तैयारी जो है वो अभी से ही स्टार्ट कर दें, यदि वाकई में आप लोगों को जॉब चाहिए। तो जो आप लोगों को आरबीएससी की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज जो पीडीएफ आप लोगों को मिल रही है, तो उसकी बिल्कुल परवाह ना करें कि हमें जो है इतना सारा कैसे याद होगा। तो बिल्कुल याद होगा, हम लोग उसके टेस्ट जो है चैप्टर वाइज या क्लास वाइज जो है लेंगे, और आपको धीरे धीरे वो सारी चीजें जो है लर्न हो जाएंगी। तो इसकी बिल्कुल भी परवाह या बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 है, राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से लागतें ली जाती थी। राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितनी लागतें ली जाती थी? तो ऑप्शन है 88 प्रकार की, 84 प्रकार की, 48 प्रकार की या 44 प्रकार की। तो सभी को सही आंसर देना है और फटाफट से देना है। तो आप लोग तैयारी करके आए हैं, याद है आपको, तो ऑप्शन आपने सही लगा भी लिया होगा, ठीक है? तो चलिए इसका सही आंसर जो है अब मैं आपको बताऊंगी। यदि आपका सही है तो आप अपने लगाएंगे क्वेश्चन 1 के आगे सही का निशान। तो आंसर है ऑप्शन B, 84 प्रकार की लागतें। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय गीत पंछीड़ा के लेखक कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय गीत पंछीड़ा, इसके लेखक कौन थे? भीखा भाई भील, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय या माणिक्यलाल वर्मा। तो चाहे आपने कोर्स से पढ़ाई की है या मैंने आपको चैप्टर भी पढ़ाए हैं, तो आप लोगों ने अगर बहुत अच्छे से शिद्दत से यहाँ पर पढ़ाई की है, तो आप सही आंसर तक पहुंच रहे हैं। तो आंसर बिल्कुल क्या है? बिल्कुल आंसर है ऑप्शन D, माणिक्यलाल वर्मा। 1857 के दौरान शहीद हुए मेहराव खान एवं मोहम्मद खान का संबंध किस क्षेत्र से था? 1857 का जो राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें शहीद हुए मेहराव खान एवं मोहम्मद खान का संबंध किस क्षेत्र से था? उदयपुर, बीकानेर, अलवर या कोटा। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? फटाफट से लगाओ, सभी आंसर जो है वो दें।
तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? कोटा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4। राजस्थान की किस रियासत का शासन हेस्टिंग्स की आश्रित पारथिक नीति का शिकार नवंबर 1817 में हुआ? ऑप्शन है करौली, धौलपुर रियासत, भरतपुर रियासत या किशनगढ़ रियासत। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो लोग सही आंसर देंगे बिल्कुल ईमानदारी से लगाना है कि हमारा ये क्वेश्चन जो है सही है। पेन कॉपी जो है वो लेकर बैठा करें जब भी टेस्ट जो है वो आपका होता है। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन ए करौली। नेक्स्ट देखें, चलो दिल्ली मारो फिरंगी इस नारे को लगाते हुए किस छावनी के भारतीय सैनिक दस्तों में बगावत की? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए किस छावनी के भारतीय सैनिक दस्तों ने बगावत की? मेरठ, एरिनपुरा, आगरा या नसीराबाद? तो आपने सोच लिया है आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन बी एरिनपुरा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6। राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? मिस्टर रेनफोर्ड, मिस्टर लॉकेट, मिस्टर थॉमसन या मिस्टर सिम्पसन? क्या रहने वाला है क्वेश्चन 6 का सही आंसर? जिनको लग रहा है कि स्पीड को बढ़ाया जाए, तो देखिए सभी बच्चों को लेकर चलना होता है। तो क्या रहेगा? राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो चलिए आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी मिस्टर लॉकेट। ठीक है, तो आंसर जो है ये 6 सभी का सही है। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय राजधानी कहाँ थी? अजमेर, धौलपुर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी बीकानेर। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय राजधानी कहाँ थी? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? राजस्थान के एकीकरण से ये क्वेश्चन लिया गया है। आंसर रहेगा जयपुर रियासत। ठीक है, विशाल राजस्थान कहें या बृहद राजस्थान कहें। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वह है 17 मार्च 1998, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 या 15 मई 1949? तो चलिए इसका आंसर आपने याद की हुई चीज जो है वो फटाफट से याद आ जाती है कि आंसर जो है बिल्कुल यही है, ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1956। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9। वीर भारत समाज की स्थापना की वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? गोकुलदास असावा, विजय सिंह पथिक, मास्टर आदित्येंद्र या जोरावर सिंह बारहट? वीर भारत समाज की स्थापना की, तो आपने लगा लिया है। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? इस टेस्ट से ही आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो कोर्स के बच्चों
से तो मुझे यही उम्मीद है। आंसर सभी सही दे रहे हैं। बिल्कुल, आंसर क्या है? विजय सिंह पथिक। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 10 क्या है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? केसरी सिंह बारहठ, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या हरिभाऊ उपाध्याय? तो चलिए सभी ने आंसर जो है वो लगा लिया है। याद करने वाले बच्चे तो फटाफट से लगा देते हैं सही आंसर। आंसर रहेगा विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट देखिए, शेखावटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? शेखावटी में ग्राम कटराथल, इसमें अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन देखिए, किशोरी देवी, नारायणी देवी, दुर्गावती देवी या अमृता देवी। देखिए मैं आपको चीजें ऐसे याद करवाती हूँ कि क्वेश्चन जो है वो आप पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए। पढ़ते ही आंसर जो है वो माइंड में क्लिक करना चाहिए कि आंसर तो यही रहेगा, ऑप्शन पर तो अटकना ही नहीं है। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है किशोरी देवी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 12 है, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। ऑप्शन भूरेलाल वया, रमेश चंद्र व्यास, बलवंत सिंह मेहता या डी है माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रजामंडल से ये क्वेश्चन जो है वो लिया है। तो इसका सही आंसर जो है, जो कि आप लोगों ने भी लगाया है, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता नहीं है, माणिक्यलाल वर्मा है। तो क्या 11वें क्वेश्चन से प्रॉब्लम क्रिएट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 12, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भूरे लाल बयां, रमेश चंद्र व्यास, बलवंत सिंह मेहता या माणिक्यलाल वर्मा? तो सोचिए फटाफट से, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष, गलत नहीं करना है। तो बिल्कुल यहाँ आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, तो दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि प्रजामंडल के एक तो अध्यक्ष और स्थापन करता कौन, दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए, 13 क्वेश्चन, जरायम पेशा कानून में स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने पर आने के लिए पाबंद किया गया था। 1924 में, 1946 में, 1933 में या 1930 में? जरायम पेशा कानून में स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने पर आने के लिए पाबंद कब किया गया था? एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सोचेंगे क्वेश्चन जो है कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, हमने आंदोलन पढ़े थे, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, तो वहीं से ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। ठीक है, याद करने वाले बच्चों के लिए तो आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी, 1930 में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 14 है, अर्जी शीर्षक गीत लिखा जमना लाल बजाज ने, साधु सीताराम ने, राम नारायण चौधरी ने या माणिक्यलाल वर्मा ने? तैयारी जो है वो इसी को कहते हैं कि हमने जितना टॉपिक पढ़ लिया है, याद कर लिया है, तो उसको एक बार क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आजमाया जाए, जिससे ये पता लग जाता है कि हमें
जो है कहाँ पढ़ना है, क्या कमी रही है, या हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या है? अर्जी शीर्षक गीत जो है माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया। कौन से किसान आंदोलन को बोल्शेविक समझौता कहा गया है? बूंदी किसान आंदोलन, नीमूचड़ा किसान आंदोलन, बरण किसान आंदोलन या बेंगू किसान आंदोलन? तो बिल्कुल आराम से ही मैं क्वेश्चन जो है वो पढ़ती हूँ। ऑप्शन जो है वह भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है रहेगा बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, तो जिन बच्चों का सही है क्वेश्चन 15 का ऑप्शन नंबर डी, तो वो अपने आप को एक नंबर जो है या सही का निशान लगा रहे हैं तो लगाएं। क्वेश्चन 16 है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? साधु सीताराम दास, फतेहकरन, जमनालाल बजाज या विजय सिंह पथिक? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? प्रथम चरण का नहीं पूछा है, दूसरे चरण का नेतृत्व तो किसने किया? तो यहाँ विजय सिंह पथिक जो है आ जाते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में दूसरे चरण में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों ने भाग लिया? धाकड़ जाति के, सिनसिनवार, चौधरी या जाट? बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों ने भाग लिया? तो ये तो सभी का सही रहेगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर जो है मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आप सही हैं। बिल्कुल धाकड़ जाति। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 18 है, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? शिवनाथ सिंह, अमरचंद बाठिया, विशन सिंह या सरदार सिंह? 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? शिवनाथ सिंह, अमरचंद बाठिया, विशन सिंह या सरदार सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है वो सभी का ही सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी अमरचंद बाठिया। चलिए नेक्स्ट देखें, चैलावासा का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ, तो यह किन किन के मध्य हुआ? कुशाल सिंह व हीथकोट, कुशाल सिंह व कर्नल होम्स, कुशाल सिंह व पैट्रिक लॉरेंस और मेक मौसन्स, या हीथकोट और कर्नल होम्स? तो सही आंसर जो है उस पर टिक लगाएं, लिखें क्वेश्चन 19 के आगे कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या ऑप्शन डी सही है। तो क्वेश्चन 19 का जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, कुशाल सिंह, पैट्रिक लॉरेंस और मेक मॉन्सन। ठीक है, या मेक मॉन्सन। अंग्रेजों ने राजस्थान में अजमेर को मुख्यालय कब बनाया? अंग्रेजों ने राजस्थान में अजमेर को मुख्यालय बनाया था, कब बनाया? 1835 में, 1834 में, 1833 में या 1832 में? तो सोच समझकर इसका जो है आंसर सही देना है कि अंग्रेजों ने राजस्थान में अजमेर को मुख्यालय जो है वो कब बनाया था। तो क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? तो आपने लगा लिया है आंसर जो है लगभग सबका ही सही है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा 1832। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 21, आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत 1817 से 1818 की संधियां कराने में अहम भूमिका निभाई। जेम्स टॉड ने, कैनिंग ने, डलहौजी ने या मेटकॉफ ने? हम्म।
तो इसका सही आंसर जो है क्या रहेगा? बिल्कुल आंसर जो है सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मेटकॉफ। ठीक है, इन्होंने महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी आर्थिक पारिथकी की नीति के तहत संधियां कराने में। क्वेश्चन 22, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आउवा, एरिनपुरा, नसीराबाद या देवली? अब इस क्वेश्चन का जो है आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा। अब देखिए, टेस्ट देने के लिए आप 4 बच्चे हो, 40 बच्चे हो, 400 बच्चे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है रेगुलर आप लोगों को पढ़ाना, और जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए हम रेगुलर तो बने ही हैं। तो आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल नसीराबाद। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन था? देखिए, तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह या आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह? किसने अंग्रेजों और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उनको पराजित किया था 1857 की क्रांति में? तो बिल्कुल आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। बिल्कुल यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं करेगा, ईमानदारी से सही किया है तो आप सही का निशान लगाएं। क्वेश्चन 24 है, बिथौड़ा नामक स्थान संबंधित है, बिथौड़ा नामक स्थान संबंधित है मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, जल विद्युत परियोजना से या भित्ति चित्रों से? तो यहां पर मैंने उन क्वेश्चंस को भी लिया है जो कि आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, जिससे आपको भी ये पता लग जाएगा कि हम जो है सही दिशा में जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है इसी टाइप के पूछे जाएंगे। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है पिथौड़ा स्थान। रूपा जी और कृपा जी धाकड़, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? बीकानेर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन? तो क्वेश्चन 25 का आपने लगा लिया है, ऑप्शन भी लिख लिया है। आप देखिए, क्या आपने सी ऑप्शन देखा था कि बेंगू किसान आंदोलन है रूपाजी कृपाजी धाकड़ से संबंधित? ठीक है, यदि आपने सही किया है तो सी ऑप्शन राइट। ट्रेंच कमीशन संबंधित है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है जाट किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन या अलवर किसान आंदोलन? तो ट्रेंच कमीशन जो है संबंधित है किससे? देखिए, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तो जिन्होंने सही लगाया है, वेरी गुड। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बांसवाड़ा, उदयपुर या जोधपुर? तो बिल्कुल इसका सही आंसर बांसवाड़ा है। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई?
वर्धा में, ब्यावर में, जोधपुर में या अजमेर में? 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वर्धा में, ब्यावर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो क्वेश्चन 28 का करेक्ट आंसर जो है वो यही है, वर्धा में। चलिए नेक्स्ट देखिए, पन्ना धाय ने जिसके जीवन को बचाया वह था? तो पन्ना धाय ने किसके जीवन को बचाया? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, रतन सिंह या प्रताप? तो सोचिए सही आंसर कि पन्ना धाय ने किसको बचाया था। तो सबका ही सही है क्वेश्चन 29 ऑप्शन बी, उदय सिंह को। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? लॉर्ड कवर्न ने, कर्णावती ने, उत्तमा दे ने या प्रीमल देवी ने? डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा प्रीमल देवी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? कुंभल देवी ने, कर्णावती ने, पद्मिनी ने या प्रेमल देवी ने? तो किसने हुमायूं से मदद मांगी थी और वह रानी चित्तौड़गढ़ की थी? क्वेश्चन 31 का क्या है आंसर? तो चलिए देखिए आंसर क्या है, कर्णावती। ठीक है, या कर्मावती। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया, तो वह कौन थी? रानी हाड़ा, रानी पद्मिनी, रानी जोधाबाई या रानी कर्मावती? कौन थी जिन्होंने निशानी के तौर पर अपने पति को अपना ही शीश काट कर दे दिया था? तो इसका तो आंसर जो है वो सभी लगा लेंगे, क्योंकि मैंने कई बार जो है इनकी स्टोरी जो है वो बताई है। आंसर बिल्कुल फटाफट से, ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो सभी को याद रहता है, रानी हाड़ा। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 33, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है पद्मावती, कर्मावती, उमादे या रूपमती? कौन प्रसिद्ध है रूठी रानी के नाम से, जो रूठ कर चली गई थी तारागढ़ में? तो बिल्कुल क्वेश्चन 33 का आंसर जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, उमादे। चलिए मैं लास्ट में सबके कमेंट देखूंगी कि किसने जो है सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं। तसीमो कांड का संबंध है करौली, अलवर, धौलपुर या भरतपुर? तसीमो कांड का संबंध जो है किससे है, करौली, अलवर, धौलपुर या भरतपुर? तो बिल्कुल सही आंसर क्या है, धौलपुर। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? रमा देवी, अंजना देवी, नगेंद्र बाला या रतन शास्त्री? तो ये 5-6 टॉपिक में से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। 35 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने सही दिए हैं बिल्कुल बताना है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन बी, अंजना देवी। ठीक है,
तो बिल्कुल बताइएगा कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने सही दिए हैं, क्योंकि मैं सबके कमेंट जो है पढ़ने वाली हूँ, स्पेशली जिन्होंने कोर्स लिया है उन सभी बच्चों के देखे जाएंगे कितने मार्क्स जो उन्होंने लिए हैं, क्योंकि इतनी शिद्दत के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आपका दायित्व बनता है, इतने अच्छे नोट्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसका फायदा ही उठाना है, और जितने कम अमाउंट में आप लोगों को मिल सकता है वो चीज मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से, जैसे ही कुछ टॉपिक कंप्लीट होंगे हम फिर से टेस्ट जो है लेंगे। थैंक यू।